नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फिजिक्स पार्ट 21 के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस ऑफ द डे होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। सबसे पहली बात कि जो हमारा द्विफोकल लेंस है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? तो ये आपका दूर एवं नज़दीक दोनों प्रकार के दोष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों प्रकार के दोष के लिए इस्तेमाल होता है, दोष के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, यूज़ होता है। अब चूंकि इसमें दो लेंस है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन बताना आपको ज़रूरी था। अब आइए हम बताते हैं कि चश्मे बनते कैसे हैं। आपने देखा होगा जो बाईफोकल लेंस होते हैं, वो चश्मे कुछ इस प्रकार से बनते हैं। बीच में जो शेप होता है वो गोल सा होता है, और जो किनारे होता है वो चौड़ा सा होता है। तो देखिए, जो ऊपरी भाग होता है वो हमारा होता है अवतल लेंस, और जो हमारा सेंटर वाला भाग होता है वो होता है उत्तल लेंस। देखिए, अवतल लेंस का प्रयोग हम नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। जैसे कि जब एज बढ़ने लगती है और जब बुढ़ापा आने लगता है, तो इस प्रकार के दोष बुजुर्गों में देखने को मिलते हैं। तो उनको दूर की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती हैं और नज़दीक की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए वो बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टंगस्टन का उपयोग के कारण विद्युत बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए किया जाता है। देखिए, टंगस्टन एक बड़ी स्पेशल चीज़ होती है। सबसे पहली बात कि इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। दूसरी मुख्य बात अगर देखा जाए तो इसका जो प्रेशर होता है, सारे मेटल्स में इसका प्रेशर सबसे कम होता है, ठीक है। प्रेशर कम होने से क्या होगा कि इसको टेम्परेचर जल्दी मिलेगा, और जब टेम्परेचर जल्दी मिलेगा तो हमारी जो हीट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और प्रकाश हमें मिल जाता है बल्ब से। तो इसलिए हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आमतौर पर बिजली के बल्ब में निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा फिलामेंट का जीवन बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब कैसे? तो जो हमारी इनर्ट गैस होती है, जो अक्रिय गैस होती है, जो बल्ब के अंदर हम लोगों बल्ब बनाते समय डालते हैं, तो उसका मुख्य काम ये होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग टंगस्टन का फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं, तो टंगस्टन के फिलामेंट को पिघलने नहीं देती है और फिलामेंट की लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि हमारी जो बल्ब होता है या हमारा जो लाइटनिंग मटेरियल होता है उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश के विक्षेपण की स्थिति में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की प्रकाश होती है। तो मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि जब प्रकाश के विक्षेपण की स्थिति होती है तो जो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की प्रकाश होती है उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो देखिए, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सबसे अधिक धीमी और अपवर्तित। देखिए, आपको पता है फॉर्मूला वी बराबर एन लेमडा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक प्रिज्म है और अगर इससे एक श्वेत प्रकाश की किरण इसमें गुजरती है तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जब 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है तो नीचे से लेके ऊपर तक तरंग दैर्ध्य हमारी बढ़ती है। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, तो मतलब वो अधिक धीमी होगी, लेकिन अपवर्तित सबसे ज़्यादा होती है। इसके अंदर अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, और आपसे यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में पूछा है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑक्सीलोस्कोप एक उपकरण है जो हमें किसके द्वारा उत्पादित तरंगों को देखने में मदद करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ध्वनि। देखिए, ऑक्सीलोस्कोप एक इस बॉक्स टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसी लाइंस खींची रहती हैं, और जब इसमें से हम साउंड एनर्जीज को प्रोवाइड करते हैं
तो माइक्रोफोन उस साउंड एनर्जी के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको कन्वर्ट करके और हमको ग्राफिकल फॉर्म में इस तरीके से दिखाता है। तो ये होता हमारा ऑसिलोस्कोप। तो ये क्या करता है कि ध्वनि के द्वारा उत्पादित तरंगों को देखने में मदद करता है। आइए अगले प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि एक परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जैसा कि बोर के द्वारा सुझाया गया है क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कक्षाओं में कैसे वितरण होता है इलेक्ट्रॉन्स का। मान लीजिए कि हमारा एक ये नाभिक है और इसके चार ओर हमारे ऑर्बिट्स हैं, हिंदी में कह लीजिए तो कक्षक हैं। तो जो सबसे अंदर वाला ऑर्बिट होता है वो होता है हमारा K, जो दूसरे नंबर पे होता है वो होता है L, जो तीसरे नंबर पे होता है वो होता है M, और जो चौथे नंबर पे होता है वो होता है N। तो K ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और N ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप सारे ऑप्शंस को चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए में क्या दिया है, K ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। L ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, गलत हो गया। आइए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। अब जैसे इसमें कह रहा है कि ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, L ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, M ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन। जी नहीं, मैंने अभी आपको बताया है कि M ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। M ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। आइए तीसरे को चेक करते हैं। K ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, L ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और M ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका ऑप्शन सी है ये सही हो सकता है। एक बार आखिरी ऑप्शन भी देख लेते हैं। K ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, L ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और M ऑर्बिट में 16 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी, एकदम सही आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। परमाणु रिएक्टरों में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के माध्यम से निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए कार्बन या ग्रेफाइट रॉड का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में क्यों उपयोग किया जाता है। देखिए, ये जो हमारे मॉडरेटर्स होते हैं जैसे कि कार्बन या ग्रेफाइट, इनका काम क्या होता है, ये न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करते हैं। जो मॉडरेटर्स होते हैं वो न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा चेन रिएक्शन है वो मेंटेन हो जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन हमारा मेंटेन हो जाता है, ठीक है, मेंटेन हो जाता है। तो हम उससे प्राप्त एनर्जी का उपयोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। जैसे कि आप न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर बात कीजिए तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर्स का इस्तेमाल करके हम आजकल विद्युत संयंत्र स्थापित कर रहे हैं और इस समय हमारे पास टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हो चुके हैं। तो इसका जो उत्तर होगा आप देख लीजिए, न्यूट्रॉन को तेज कर दिया जाता है, नहीं, प्रोटॉन को तेज कर दिया जाता है, नहीं, न्यूट्रॉन को धीमा कर दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए गति पी और विस्थापन क्यू के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका अंडाकार। अंडाकार मतलब होता है एलिप्स, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसमें कथन और कारण की बात है, तो ध्यान से पढ़ते हैं कि जब किसी बंदूक को चलाया जाता है तो वह रिकॉइल होता है, यानी यह गोली के वेग की तुलना में बहुत कम वेग के साथ पीछे ढकेलता है। देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है, रिकॉइलिंग गन का वेग कम होता है क्योंकि गन गोली से बहुत भारी होती है। तो देखिए सबसे पहली बात कि जब बंदूक से गोली छूटती है तो ये संवेग संरक्षण पे काम करती है, संवेग संरक्षण पे काम करती है। संवेग संरक्षण का मतलब होता है पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, मतलब M1V1 बराबर M2V2। इसका मतलब यह है कि अगर द्रव्यमान अधिक है तो वेग कम होगा और अगर वेग अधिक है तो द्रव्यमान कम होगा। तो सही बात है, गोली का वेग अधिक है लेकिन गोली का द्रव्यमान कम है, और जो हमारी बंदूक है उस बंदूक का द्रव्यमान तो अधिक है लेकिन उसका वेग कम रहेगा। इसलिए दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है।
तो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? देखिए हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन क्या होता है? तो ये आपका होता है सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब ये होता है कि रूम टेम्परेचर पे ये बैड कंडक्टर होते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये कंडक्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब एनर्जाइज होते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है, तो वो अपने सेल से बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार से नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं। और जब नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। और सिलिकॉन का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं, इससे ट्रांजिस्टर की लाइफ बढ़ जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी भी तैलीय फर्श पर चलना मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए घर्षण बल बहुत कम होता है। जैसे कि यदि हमको किसी फर्श पर चलना है तो जब हमको फ्रिक्शन मिलता है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स F है, तो जो फ्रिक्शन मिलता है वही हमको प्रतिक्रिया प्रदान करता है नॉर्मल, जिस वजह से हम चल पाते हैं। लेकिन अगर वो तैलीय सरफेस होगा तो फ्रिक्शन बल वहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, जिससे हमको उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होगा और हम खड़े नहीं रह पाएंगे, इसलिए चलना मुश्किल हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक क्या होता है? देखिए कहने का मतलब है, ये कह रहा है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये पूछ रहा आपसे, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन समझने से पहले आप ये समझिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक सरफेस है और अगर यहाँ पर एक वस्तु है रखी हुई है जो सरक नहीं रही है, तो क्यों नहीं सरक रही है? क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है या स्थैतिक घर्षण बल काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। अब इसमें बात कर रहा है कि इसका कोफिशियंट क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फोर्स F है जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं, और यहाँ पर एक नॉर्मल है, ठीक है, अभिलंब है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और अभिलंब को अगर हम इस तरीके से जोड़ दें तो हमारा जो ये एंगल होता है यही कोफिशियंट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, और ये हो जाता है आपका म्यू एस इज इक्वल टू एफ बाई एन। और ध्यान से देखेंगे तो जो आपका ये म्यू एस है ये हो जाता है आपका टेन थीटा, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा घर्षण के कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा मतलब ये टेन थीटा की बात कर रहा है। तो बस इसने यही पूछा था, तो इसमें कन्फ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल का रेशियो होता है। और अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो जो हमारा ये एंगल थीटा बन रहा है, ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया हमारा आधार, तो जब आप निकालेंगे रेशियो तो वो हमारा होता है टेन थीटा। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। माचिस की तीली को माचिस के डिब्बे पर रगड़ने पर आसानी से आग लग जाती है, क्योंकि देखिए घर्षण से आग लग जाती है। अब कैसे आग लग जाती है? देखिए अगर हम माचिस का ऊपरी सरफेस बनाएं तो देखें होंगे कि यहाँ पे डॉटेड डॉटेड होता है, और जब इसको आप हाथ से टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा खुरदुरा सा लगेगा। और इस पर हम क्या करते हैं, रेड फास्फोरस की कोटिंग कर देते हैं, रेड फास्फोरस लगा देते हैं। रेड फास्फोरस क्या होता है? ये एक ऐसा केमिकल होता है जो ज्वलनशील होता है। जब माचिस की तीली इस पर हम रगड़ते हैं तो रगड़ने से जो इसके अंदर फ्रिक्शन होता है वो रेड फास्फोरस को उत्तेजित कर देता है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से माचिस की तीली जल जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टायर्स को क्यों ट्रीट किया जाता है? देखिए ट्रीट का मतलब ये है, आपने देखा होगा टायर की संरचना, ये अगर ऐसे टायर है तो आपने उसमें विशेष प्रकार का देखा होगा, गड्ढा गड्ढा टाइप का होता है, कुछ डिज़ाइन टाइप की होती है, एकदम प्लेन टायर नहीं होता है, ऐसे गड्ढा गड्ढा टाइप का होता है। तो उसका कारण क्या है कि जो हमारी सड़क है, सड़क भी हमारी पूरी प्लेन नहीं बनाई जाती है, हल्की सी खुरदुरी होती है, और उसमें जब ये टायर पड़ता है तो इसका जो इस तरीके की जो ट्रीड होती है, जो संरचना होती है, इनमें इंटरलॉकिंग होती है और हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बढ़ता है, जिससे कि हमारी गाड़ी नियंत्रित होकर सड़कों पर दौड़ती है।
तो इसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं? घर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्नेहक क्या होता है? देखिए, नॉर्मली हम लोग बात करें तो जब हम लोग दुकानों पर जाते हैं ऑटोमोबाइल्स की, तो वहाँ पर हम लोग मोबिल ऑयल की बात करते हैं या हम लोग ग्रीसिंग की बात करते हैं, तो ये सब स्नेहक की कैटेगरी में आता है। और स्नेहक क्या करता है? ये घर्षण को कम करने का कार्य करता है। अब देखिए, घर्षण का अपना फ़ायदा है और घर्षण का अपना नुकसान भी है। अगर हम मशीनरी की बात करें तो यहाँ पर फ्रिक्शन जितना कम होगा मशीन की जो लाइफ है उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इसलिए हम लोग मशीनों में स्नेहक का प्रयोग करते हैं जो घर्षण को कम करने का काम करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिसलन घर्षण रोलिंग घर्षण की तुलना में क्या होता है? तो देखिए, रोलिंग मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक मटेरियल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से मान लीजिए ये घूमता है, तो इसके घूमने के लिए जिस प्रकार के घर्षण का प्रयोग करेंगे उसको हम रोलिंग घर्षण कहेंगे, ठीक है। अगर हम फिसलन की बात करें, मान लीजिए कि ये एक इंक्लाइन सरफेस है जिस पे कि एक वस्तु रखी है और इस डायरेक्शन में ये फिसलना चाहती है, तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो इसके अपोजिट में लगेगा, तो इसको कहते हैं फिसलन घर्षण। तो आप देख रहे होंगे कि रोल करना फिसलने से ज़्यादा आसान है, तो जो फिसलन घर्षण की वैल्यू होगी वो रोलिंग घर्षण से अधिक होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बल को क्या कहा जाता है? उसको हम ड्रैग कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो पानी में घर्षण बल होता है ना, जो पानी में फ्रिक्शन होता है, पानी के फ्रिक्शन को हम ड्रैग कहते हैं। देखिए, ये शब्दावली की बात है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन चूंकि पूछा हुआ है तो बताना ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आप लोग वहाँ पर देखें तो कम से कम ये तो रहे आप लोगों के सामने कि हाँ, इस प्रश्न से एक बार आप गुजर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चार बच्चों को बढ़ते क्रम में रोलिंग स्टैटिक और स्लाइडिंग घर्षण के कारण बलों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, तो उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था चुनें। तो देखिए, इसमें एक क्रम में लगाना है। आपको पता है कि जो हमारा स्टैटिक होता है, स्टैटिक सबसे ज़्यादा होता है, स्टैटिक उसके बाद हमारा जो फिसलने वाला होता है स्लाइड उसकी वैल्यू आती है, और बाद में आपकी रोलिंग की वैल्यू आती है, ठीक है। ये हमारा एक क्रम होता है, ये रोलिंग होता है। तो देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे कौन सा दिया, स्टैटिक, देखिए दूसरा नंबर हम देखें स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग नहीं होगा, पहला देखें रोलिंग पहले नंबर पर आएगा ही नहीं, तीसरा देखें रोलिंग, स्लाइडिंग और स्टैटिक। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये आपका जो सी है, सी में आपका एक क्रम मिल रहा है। कैसा क्रम मिल रहा है? देखिए, जो रोलिंग होता है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, ठीक, रोलिंग से ज़्यादा स्लाइडिंग की वैल्यू होती है, स्लाइडिंग स्ट्रांग होता है, स्लाइडिंग से ज़्यादा स्ट्रांग स्टैटिक होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक नाव या हवाई जहाज का एक नुकीला या टेपरिंग फ्रंट होता है या हेड होता है, ऐसा क्यों? ये क्या करता है? तरल पदार्थ के घर्षण को कम करने के लिए कार्य करता है। देखिए, वो चाहे आप नाव की बात कर लें, देखिए आपने देखा होगा नाव कुछ इस तरीके से होती है, अभी हम 2D इमेज बना रहे हैं, तो जैसे कुछ पानी इधर से निकल जाएगा, कुछ पानी इधर से निकल जाएगा और नाव अपना आगे बढ़ जाती है। या हम हवाई जहाज़ की बात करें तो हवाई जहाज़ कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, हवाई जहाज़ कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से बना होता है। तो ये जब आगे बढ़ता है तो हवा के फ्रिक्शन को कम करता है, हवा इसके साइड से निकल जाती है और एरोप्लेन आगे बढ़ जाता है, तो एयर फ्रिक्शन को ये कम करता है। चलिए, तो एयर फ्रिक्शन को कम करता है, तो इसका उत्तर होगा तरल पदार्थ के घर्षण को कम करने के लिए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कई महीनों तक इसे पहनने के बाद जूते का तलवा सपाट हो जाता है, जूता घिस जाता है। क्यों घिस जाता है? घर्षण के कारण घिस जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आपको आज की श्रृंखला भी पसंद आई होगी।